पहले मेरे पास बिल्कुल पलंग से मैच करती हुई ये अलमारियाँ थी, लेकिन अभी मैंने घर को रिनोवेट करवाया तो अलमेरा मैंने हटा दी। अभी मैंने यहाँ पर अलमेरा दूसरी बनवा ली है। तो ये पुरानी अलमारियों को मैंने कहाँ यूज़ कर रही हूँ, कैसे यूज़ कर रही हूँ, चलो बोल। और बच्चा लोग कैसे हो, चलो चलते हैं कुछ नया सा करने। घर में अलमेरा होती है, हम उसे अरेंज करते हैं। कम जगह में कैसे इतना सारा सामान रखें और जो भी सामान रखें हम सब उसे देख पाएं, उसे ढूंढने की ज्यादा जरूरत ना पड़े। अलमारी में सारी चीजें इतने अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से रखी हुई हूँ जो हमें देखने में भी बड़ी सुंदर लगती हैं। किसी के सामने जब हम अलमारी खोलते हैं तब भी बड़ा अच्छा लगता है। कई घरों में मैंने ऐसे देखा है अलमारी खोलते ही एक सामान उठाते हैं, चार सामान नीचे गिरते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ वेस्ट सामान से कुछ ऐसा अरेंज करूंगी कि आपको भी ये ट्रिक बहुत पसंद आने वाली। अभी मैं आपको पहले आपको बनाकर दिखा रही हूँ ऐसे बॉक्स जिसमें हम क्या चीजें रखने वाले वो भी देख लेते हैं। अब यहाँ देखते हैं पहले मैंने क्या किया है। मेरे पास एक बड़ा सा बॉक्स था जिसे मुझे फेंकने का मन नहीं कर रहा था, काफ़ी मजबूत था। उसे मैंने एक पेपर से उसे कवर करके इस तरीके से उसे और सुंदर बना लिया। इस बॉक्स का मेरे पास कोई कवर भी नहीं है ऊपर के लिए, तो मैं उसे कैसे अरेंज कर रही हूँ वो भी देख लीजिए। ग्लू गन को गर्म करके मैंने इस तरीके से उस बॉक्स को सब तरफ से पेपर से कवर कर दिया है। अब मेरे पास इस बॉक्स का कवर नहीं है, तो मैंने उसी कलर की, मेरे पास एक नेट रखी हुई थी, पुरानी चुन्नी रखी हुई थी, उसको मैंने यूज़ किया है। ये देखिए सुई धागे से मैंने उसमें सल डाल दिए और साइड से उसी पेपर को लगा दिया है। अब मैं इसे इसी तरीके से इसका कवर बना रही हूँ, उसे भी मैं ग्लू गन से जोड़ रही हूँ। उसकी मैचिंग भी बन गई। मैचिंग ना हो तब भी बहुत सुंदर लगेगी। आप बनाइए ज़रूर। जो भी आपके घर में कुछ ऐसा मटेरियल होता है, कई चीज़ें हमें पता नहीं होता कि उसका क्या यूज़ होगा, इस तरीके से हम उसका यूज़ अच्छे से कर सकते हैं। ये मेरे पास पुराना सा वॉलपेपर का पीस बचा हुआ था, उसे मैं यूज़ कर रही हूँ बॉक्स के ऊपर। प्रिंटेड बहुत सुंदर लग रहा है। ये देखिए अब ये नेट इसके ऊपर आ गई, इसका अच्छे से कवर भी बन गया। अब मैं चाहूँ तो इसे बांध कर यहाँ पर कुछ रिबन से बांध दूँ या फिर इसी तरीके से मैं छोड़ भी सकती हूँ। अब चलिए पहले इसके अंदर मैं रखने वाली क्या हूँ। अक्सर हमारे पास साड़ियाँ कुछ ऐसी हैवी होती हैं जिन्हें हम सोचते हैं कि सेफ भी पड़ी रहें और उन्हें रखें कहाँ, हैंगर में रखने का मन नहीं करता। तो मैं 8-10 साड़ियाँ तो इसके अंदर डाल ही लेती हूँ। बहुत अच्छे से एक ही बॉक्स में आ गई हैं, जब भी चाहिए आराम से इसमें से निकाला जा सकता है। अब जो ये नेट है उसे मैं अंदर की तरफ इसमें कवर कर देती हूँ इस तरीके से। इससे क्या होगा, साड़ियाँ बिल्कुल सेफ़ हैं और जहाँ भी मुझे दिख भी रही हैं बहुत अच्छे से कम जगह में काफ़ी सारी साड़ियाँ इसके अंदर आ गई हैं। कितना सुंदर बॉक्स लग रहा है ना, देखा ना बच्चों कैसे पुरानी चीज़ों से हम उसे बहुत ही अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ये मेरी शादी वाली साड़ियाँ हैं जो मैं हमेशा संभाल कर रखती हूँ। अब ये जो अलमेरा थी उन्हें मैं स्टोर रूम में लेकर आई हूँ। कहाँ मैं रख रही हूँ, कैसे रख रही हूँ, क्या क्या रख रही हूँ वो मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए कुछ एक्स्ट्रा साड़ीज मैंने ऊपर हैंगर में रखी हैं और जो इस साइड में लंबा सा बॉक्स दिख रहा है ना आपको, ये मेरे यहाँ एक एक्स्ट्रा तिकोना सा बॉक्स था। इस बॉक्स में बहुत बड़ा खजाना है, इसे भी मैंने इसी तरीके से कवर कर दिया। पता है इसमें मैंने क्या रखा है, काफ़ी सारे ब्लाउज, काफ़ी सारे पेटीकोट और काफ़ी सारे ऐसे कपड़े जो मुझे कभी कभी यूज़ होते हैं। और ये देखिए कितनी कम स्पेस में लंबा सा ये बॉक्स आ गया है। ये साड़ियों वाला बॉक्स मैंने यहाँ रख दिया। ये देखिए ये तो मैंने आपके सामने अभी बनाया है, काफ़ी सारी साड़ियाँ इसके अंदर भी आ गई हैं। ये देखिए साइड में मैंने एक बकेट रखी है जिसमें मैंने काफ़ी सारे नैपकिन और छोटे छोटे टॉवल रखे हैं जो मुझे यूज़ होते रहते हैं। पीछे मैंने ऐसे रखे हैं जिसमें इनर वेयर रखे हैं और बहुत सारी चीज़ें और रखी हैं। तो कम स्पेस में बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं। अब देखते हैं इसके नीचे मैंने क्या रखा है। यहाँ मेरे काफ़ी और कपड़े हैं
जो डेली यूज़ के कपड़े हैं, साइड से मुझे जगह है तो हम आयन करते हैं जो कपड़ों के ऊपर वो रखे हुए हैं। नीचे मैंने कुछ ऐसी चीज़ें रखी हैं जो मुझे रोज़ यूज़ नहीं होती हैं। मतलब कुल मिला के जो अलमारी मेरे लिए वेस्ट थी, किसी काम की नहीं थी, उसे मैंने स्टोर में इस तरीके से अरेंज करके रखी है। ये जो ड्रॉवर्स हैं छोटे छोटे, उसमें भी काफ़ी मास्क हैं, काफ़ी सॉक्स हैं, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं। एक खाली है, इसमें मैं कुछ और सामान रखने वाली हूँ। इसी तरीके से मेरे पास एक और अलमेरा थी जो दोनों ही खाली हुई, जो मेरे लिए वेस्ट थी, उन्हें मैंने स्टोर में लाया है। अब ये देखिए मैंने यहाँ कैसे अरेंज किया है। अक्सर आपको बिल्कुल यकीन नहीं होगा कि इस हैंगर्स में क्या होगा। हैंगर्स में रखी है मैंने बेडशीट्स, काफ़ी सारी बेडशीट्स जो मुझे हैंगर में आराम से हर बेडशीट दिखती है, जिस रूम में जो बिछानी है मैं आराम से देख पाती हूँ इसमें। ये देखिए अलग अलग रूम के लिए। और साइड से मैंने बड़े बड़े टॉवल्स रखे हैं रोल करके, नीचे मैंने वाइट टॉवल रखे हैं, उस तरफ से मैंने ऐसी बेडशीट्स रखी हैं जो मुझे डेली में लगती हैं। ड्रॉवर्स में छोटे छोटे नैपकिन रखे हैं। यहाँ मैंने डाइनिंग मैट्स रखे हैं, डाइनिंग के लिए जो हैंकीज चाहिए होते हैं, छोटे नैपकिन चाहिए होते हैं, वो मैंने सारे रखे हैं यहाँ पर। इसके बाद डेली के मैंने टॉवल, डेली के मेरे को चादर जो लगती हैं, जो कुछ पुरानी चादरें हैं वो मैंने नीचे रख दी हैं। इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें अलमेरा के अंदर आ गई हैं। तो बच्चों, ये अलमारियों को इस तरीके से मैंने अरेंज किया, कैसे लगा आपको? इन बॉक्स को मैंने यूज़ किया, कैसे लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी न कीजिए।